I'm Veena Arya. Today we are discussing about accounting equation. An accounting equation is a mathematical expression which shows that the assets and liability of a firm are equal. Accounting equation एक mathematical expression है जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे firm की assets और liabilities equal. It is based on the dual aspect concept of accounting. Accounting equation जो होता है वो dual aspect concept पर based होता है. Assets equals to liability plus capital. इसमें हम assets को liability और capital के equal करते हैं. Next हम देखेंगे कि accounting equation का format क्या होता है. Accounting equation का format इस तरीके से बनता है. सबसे पहले हम यहाँ transaction लिखते हैं, फिर assets लिखते हैं, equal करके liability plus capital लिखते हैं. यहाँ हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं ताकि एसेट्स कोई भी आ रही है हमारे बिजनेस में तो उसे हम लिख सके, जैसे कैश, फर्नीचर, स्टॉक एक्सेट्रा. तो इक्वेशन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इक्वेशन है कैपिटल इंट्रोड्यूस ₹50,000. तो जब हम कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे अपने बिजनेस में तो वो क्या क्या इफेक्ट आएगा उसमें. पहला इफेक्ट होगा कि हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है और दूसरा इफेक्ट क्या होगा कि हमारे बिजनेस में कैपिटल भी आ रहा है. तो जब हमारे बिजनेस में कैश आएगा तो एसेट्स में हम कैश का कॉलम बनाएंगे इस तरीके से और उसमें हम लिखेंगे 50,000. और कैपिटल भी आ रहा है हमारे बिजनेस में तो कैपिटल में भी हम लिखेंगे 50,000. नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर ₹500 इन कैश. तो फर्नीचर जब हम खरीदेंगे तो हमारे बिजनेस में फर्नीचर आएगा. फर्नीचर क्या होती है, एसेट्स होती है. तो यहाँ पर प्लस करके एसेट्स में हम फर्नीचर का कॉलम बनाएंगे और इसमें भी हम लिखेंगे 500. फर्नीचर आ गया बिजनेस में और उसके बदले हमने पे किया होगा कैश. कैश हमारे बिजनेस से चला गया तो कैश को माइनस कर देंगे. तो यहाँ लिखेंगे माइनस 500. अब हम टोटल करेंगे. टोटल करेंगे तो 50,000 में से मैंने 500 का फर्नीचर खरीदे तो 500 लेस हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 49,500 + 500 और इक्वल लिखेंगे यहाँ. और इस साइड क्या आएगा, कैपिटल में आ जाएगा 50,000. जब भी हम ट्रांजेक्शन को पूरा करके टोटल करते हैं तो दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, मतलब एसेट साइड और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल साइड दोनों का टोटल इक्वल होना चाहिए. 49,500 और 500 50,000 हो गया और यहाँ पर भी 50,000. तो इस तरीके से हम अकाउंटिंग इक्वेशन को फॉर्म करें. ओल्ड बैलेंस हमने लिख दिया जो पहले वाले ट्रांजेक्शन से हमें मिला था बैलेंस, जिसके बाद हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, परचेज गुड्स फॉर ₹2,000 इन कैश. तो जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो हमारा स्टॉक का अकाउंट बनेगा. स्टॉक को हम एसेट्स में लिखेंगे और कैश में से ₹2,000 लेस होंगे क्योंकि जब भी हम गुड्स परचेज करें तो ₹2,000 हमारे पास से जा रहे हैं और हमारे पास स्टॉक आ रहा है. तो कैश में से माइनस कर देंगे ₹2,000 और ऐड कर देंगे स्टॉक में ₹2,000. उस साइड कोई इफेक्ट नहीं आएगा. कैश में से हम ₹2,000 माइनस करेंगे तो यहाँ बैलेंस आ जाएगा 47,500. फर्नीचर में 500 का बैलेंस पहले से ही था और स्टॉक में 2000 के स्टॉक आ गए. इक्वल लाइबिलिटी में भी कुछ नहीं हुआ है और कैपिटल ₹50,000 का. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर ₹3,000 ऑन क्रेडिट. जब हम सामान क्रेडिट पे खरीदते हैं तो हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाते हैं. क्रेडिटर्स क्या होते हैं, हमारी लाइबिलिटीज होती हैं. तो लाइबिलिटीज में हम क्रेडिटर का अकाउंट बनाएंगे. यहाँ पे हम बनाएंगे क्रेडिटर. गुड्स हमने परचेज किए थे, स्टॉक में कितने के गुड्स आ जाएंगे, ₹3,000 का स्टॉक में गुड्स आ जाएंगे. यहाँ 3,000 आ गया और क्रेडिटर्स भी इंक्रीज होगा क्योंकि हमने कोई कैश पे नहीं किया है तो ₹3,000 लाइबिलिटी में भी इंक्रीज हो जाएंगे. टोटल करेंगे यहाँ 47,000
500, कैश का बैलेंस आ गया, फर्नीचर का बैलेंस है 500, स्टॉक का बैलेंस अब कितना हो गया 2000, हमने कैश पे खरीदा था 3000 रुपीज का स्टॉक, क्रेडिट पे खरीदा, तो टोटल 5000 रुपीज का स्टॉक इंक्रीज हो गया है, क्रेडिटर 3000 से बढ़ गए हैं और 50000 रुपीज की कैपिटल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2000 ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 4000। इसका मतलब क्या है कि हमने सामान बेचा है कितने का, 4000 रुपए का, जिसकी कॉस्ट कितनी थी 2000 रुपए, मतलब स्टॉक कितने का था 2000 रुपए का और उस सामान को हमने कितने का बेच दिया है 4000 रुपए का बेच दिया, तो स्टॉक में से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, हमारे पास से चला गया ना, तो माइनस 2000। और क्या होगा 4000 रुपीज हमें रिसीव हो गए तो कैश में इंक्रीज हो जाएंगे 4000। बैलेंस देखो क्या हो रहा है, स्टॉक हमारे पास से 2000 के जा रहे हैं और पैसा कितना आ रहा है 4000 रुपए आ रहे हैं, मतलब 2000 रुपए हमारा प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऐड हो जाएगा कैपिटल में, तो यहाँ कैपिटल में हम ऐड कर देंगे 2000 रुपीज, उसका टोटल कर लेंगे, टोटल कर लिए, कैश का बैलेंस आ गया 51500, फर्नीचर 500 के थे, 3000 रुपीज का स्टॉक बच गया हमारे पास, 5000 का पहले था और 2000 का हमने सेल आउट कर दिया, 3000 के स्टॉक बच गए, 3000 के क्रेडिटर पहले से थे और कैपिटल में इंक्रीज हो गया 2000 रुपीज, तो 52000 कैपिटल में आ गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड रुपीज 5000 फॉर रेंट एंड रुपीज 7000 फॉर सैलरीज। रेंट और सैलरीज हमारे लिए एक्सपेंसेस होते हैं, जब भी हम कोई एक्सपेंसेस करते हैं तो वो कैश में से लेस होगा और कैपिटल में से लेस हो जाएगा, और जब भी हमें कोई इनकम रिसीव होगी तो वो कैश में ऐड हो जाएगा और कैपिटल में भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि इनकम से हमारी कैपिटल इंक्रीज हो रही है और एक्सपेंस करने से हमारी कैपिटल डिक्रीज हो रही है, तो इसी बेसिस पे हम ये दोनों ट्रांजेक्शन करेंगे, कैश में से माइनस माइनस 5000 और माइनस 7000 एंड कैपिटल में से भी माइनस करेंगे माइनस 5000 माइनस 7000 और अब इसका टोटल करेंगे। सेवंथ नंबर वाली जो ट्रांजेक्शन थी वो मैंने लास्ट में ऐड कर दिया, तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है राम विड्रॉ रुपीज 2000 फॉर हिज पर्सनल यूज। तो जब कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस से पैसे पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है तो कैश में से वो अमाउंट माइनस हो जाएगा और कैपिटल में से वो अमाउंट माइनस हो जाएगा, क्योंकि कैश हमारे बिजनेस में से जा रहा है और कैपिटल भी कम हो रही है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस रुपीज 5000। तो एडवांस रिसीव हुआ तो कैश भी हमारे बिजनेस में आ रहा होगा, तो कैश में हम ऐड कर देंगे 5000 रुपीज और हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, तो हम इधर बनाएंगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस का कॉलम और उसमें 5000 रुपीज ऐड कर देंगे लायबिलिटीज। इसके बाद है रेंट आउटस्टैंडिंग रुपीज 1000, आउटस्टैंडिंग रेंट का कॉलम बनाएंगे लायबिलिटीज में, आउटस्टैंडिंग रेंट रुपीज 1000 ने लायबिलिटीज में दिखा दिया है और 1000 रुपीज कैपिटल में से लेस कर दिया है, क्योंकि एक्सपेंसेस कैपिटल में से लेस होते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव इंटरेस्ट रुपीज 1000 फ्रॉम बैंक, बैंक से हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ 1000 रुपीज का, ये हमारे इनकम, तो 1000 रुपीज से कैश में ऐड हो जाएगा और 1000 रुपीज से कैपिटल में ऐड हो जाएगा, तो ये हमारे एसेट्स 48000 है और लाइबिलिटी और कैपिटल साइड पे ऐड कर लो तो दोनों साइड इक्वल आ रही है हमारे, देख लेंगे 48000 ये भी आ रहा है एसेट साइड पे आ रही है, तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी को भी ऐड करके 48000 आ रहा है। अकाउंटिंग इक्वेशन की ट्रांजेक्शन्स मैंने आपको बता दिए कैसे करते हैं, इसका फॉर्मेट बता दिया है आपको, मैंने कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज भी बता दी है, अब अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।